सामने वाले दुल्हा की तरफ से मुतालबात होते हैं, लेकिन अल्लाह का फ़र्ज है, अल्लाह का कर्म है कि इस तरीके की रसूमात हमारी बिदातें में नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी बिदातें में तमाम चीज़ें खत्म हो गई। इस्लाही माशरे वाले जो मेहनत करते हैं, एक रस्म को निकालने की मेहनत करते हैं, दूसरी रस्में शुरू हो जाती हैं। इसीलिए उलमाए किराम कहते हैं करते रहो, और हम तो तलबा को कहते हैं करते रहो डरते रहो। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। हालांकि अहादीस के देखने से मालूम होता है कि निकाह बहुत आसान है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी इन आज़म निकाह बरकतन अयसरुहा मऊन, कम खर्चे वाला निकाह, इसमें कम से कम खर्चा हो वो बरकत वाला निकाह है। बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी रहमतुल्लाही एक हदीस कई जगहों में लाए, इसमें एक निकाह का वाकिया बयान किया है। इससे हमको अंदाज होता है कि कितनी सादगी थी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। हज़रत सहल इब्ने साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे, एक औरत आई सहाबिया। अब ये सहाबिया के बारे में शारीन किताबों की शराह लिखने वाले, बुखारी की शराह लिखने वाले हुए, उन्होंने लिखा है कि या तो हजरत हौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी, या तो हजरत उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, या कोई और सहाबिया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी जात आपको हिबा कर दी। जैसे कि इजाज़त के मौके पर इजाज़त जो ली जाती है उसमें यही होता है, तो औरत जो है अपनी जात जिसके साथ निकाह हो रहा है उनको हिबा करती है, बख्शीश करती है, इसको इजाब कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कि हदीस में आता है, आपने उसके चेहरे की तरफ देखा, फिर ऊपर देखा, फिर नीचे देखा। बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर को झुका लिया। वहाँ एक सहाबी जिनका नाम मालूम नहीं है, वो बैठे हुए थे, बहुत गरीब सहाबी। कितने गरीब, पहनने के लिए ऊपर कमीज भी नहीं था, एक तहबंद थी। इसीलिए तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह तर्जमतुल बाब कायम किया है, जिसमें ऐसा फरमाते हैं गरीब भी निकाह कर सकता है, मालदार भी निकाह कर सकता है। वो सहाबी ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा इन सहाबिया के साथ निकाह का नहीं है, क्योंकि आपने सर झुका लिया, तो उन्होंने अपने बारे में पेशकश कर दी, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपका इरादा नहीं है तो इस औरत के साथ
इस मर्द का इस औरत के साथ मेरा निकाह कर लिया जाए, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो विलायत हासिल है, विलायत आम्मा, सबके वाली है, वली है। आपने फरमाया कि तुम्हारे पास निकाह करने के लिए कोई महर का इंतज़ाम है, पर आपने ये भी फरमाया जाओ घर जाओ, इस तमिस वमन हदी, लोहे की अंगूठी भी अगर मिल जाए तो लेकर के आओ। वो बेचारे घर गए, अब अपने घरों के अहवाल देखे, लोहे की अंगूठी क्या, कितने तो मोबाइल होंगे एक के पास, कितने जोड़े कपड़े, कितने चप्पल, ना मालूम कितने कुर्ते, और अजीब व गरीब सामान जो है हमारे घरों में होता है। वो बेचारे घर तलाश करके आए, लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई चीज़ नहीं है, कितने गरीब होंगे अंदाज लगाइए। अहादीस के देखने से मालूम होता है, बाज़ सहाबा ऐसे थे कि उनके पास एक चादर होती। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक काम के लिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए, तो उनके बदन पर एक मामूली कपड़ा था, एक चादर गिर न जाए इसलिए दांतों से इन्होंने दबा दिया था। ऐसे गरीब सहाबी थे, उन्होंने ऐसा कहा कि मेरे पास ये तहबंद है, मतलब ये है कि ये तहबंद जिसको अरबी में इजार कहते हैं, अगर आप फरमा दे तो मैं ये तहबंद दे दूँ। आपने फरमाया कि अगर तुम तहबंद दे दोगे तो तुम्हारे बदन पर कोई चीज़ नहीं रहेगी, और तुम पहनोगे उसको कोई चीज़ नहीं दे सकोगे। इसके बाद वो सहाबी बैठे रहे, मायूस नहीं। थोड़ी देर के बाद वो जाने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और फरमाया कि तुम्हारे पास तुमको कुरान की सूरत ज़बानी याद है? कहा कि जी हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फुलानी 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 सूरत याद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक़द मल्लक्तु कहा बिमा मात मिनल कुरान, तुम्हारे पास जो कुरान है, कुरान की सूरतें जो तुमको याद है, इसकी वजह से मैंने तुम्हारा निकाह इस औरत के साथ कर दिया। उनके वालिद को भी मालूम नहीं, कुछ नहीं, निकाह हो गया, इतना आसान निकाह, और हमने कितना भारी निकाह बना दिया। भारी पर बोझ होता है, अरे साहिब सरवत हो क्यों ना हो, बड़ा बोझ है, बेटे का निकाह करना है, जैसा इंतज़ाम होना चाहिए वैसा इंतज़ाम नहीं। एक साहब हमारी बिरादरी के नहीं थे, हमको दुआ के लिए कह रहे थे, दुआ करना हमारी एक बेटी का निकाह है। तो मैंने उनके साथ जो आए हुए थे वो हमारे जान पहचानने वाले, उनको पूछा कितना खर्चा होगा, क्या 50 लाख। अपने तो बोलते हुए भी कुछ घबराहट हो जाती है, 50 लाख खर्च। अब उनके लिए कह रहे कि दुआ करो कि निकाह में आसानी हो जाए, तो लोगों को बहुत सोचने की बात है। आमतौर पर लोग चाहते हैं हम अपने जज्बात को जाहिर करें, तो लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है, मुख्तसर सी बात, कोई काम की बात हो उसके ऊपर अगर हमारा अमल हो जाए तो बहुत अच्छा है। इसलिए निकाह कोई मुश्किल चीज़ नहीं, आसान है।
ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको आसान बनाएं, आसान बनाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें नाजिल होगी, रहमतों का नुज़ूल होगा, ज़ौजैन में मोहब्बत होगी, ताल्लुक होगा, रिश्तेदारों में जोड़ होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हमारे अंदर बड़े वलीमा की ताकत नहीं है तो कर्ज लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर अल्लाह ताला ने हमको अच्छी हैसियत दी है, अल्लाह ताला ने माल दिया है, हम बड़ा वलीमा कर सकते हैं। हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निका हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जब हुआ तो आपने सहाबा को गोश्त और रोटी खिलाई, जिसको बड़ा वलीमा कहते हैं। और हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जब निका हुई है हैबर से वापसी के मौके पर, तो दस्तरखान बिछा दिया और सफ़र के जो तोशे थे इसको फैला दिया, खजूर है, पनीर है और भाईस जिसको अपने मिला करके बनाया जाता है, वो दस्तरखान पर रख दिया और ये वलीमा हो गया। बुखारी शरीफ की हदीस में है, साहबी फरमाते हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा। मेरी बात का खुलासा ये है कि हम निकाह की तकरीब को इस तरीके से मनाए कि अल्लाह ताला और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज न हो। बस ऐसी चीज़ हमने दाखिल कर ली, जैसा कि बाल मरतबा क्या है, रिवाजात मर्दों में भी आते हैं और तुम भी आ जाते हैं। हम समझते हैं कि भी हमारा गांव माशाल्लाह दीनदार है, ओलमा है, सुरा है, लेकिन अपने को मालूम भी नहीं होगा, एक नई रस्म शुरू हो जाएगी। शायद आप क्या हो या ना हो, लड़कियां दीनदार घरानों की, इन्होंने अपने होठों पर लाली लगाना शुरू कर दिया है। अब हर एक समझ सकता है, जान सकता है, अपने घर का जायजा ले सकता है कि क्या ये चीज़ हमारे घर में आ गई है। अब ये नई चीज़ दाखिल हो गई, एक लड़की ने ऐसा किया, दूसरी लड़की ने देखा, फिर रस्म शुरू हो गई। कोई नई रस्म हमारे यहाँ अगर आ जाए, उसी वक्त इसको हम मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे तो रसूमात की भरमार हो जाएगी। इसलिए बहुत चौकन्ना रहने की क्या है बुजुर्ग ज़रूरत है। ऐसे वक्त में इस्लाही मुआशरा वाले, जमात का काम करने वाले, दीगर उलमा इकराम, मकातिब में पढ़ाने वाले, बड़ी इदारों में पढ़ाने वाले बेचारे वो मुतफक्की रहते हैं, कोशिश करते हैं, कभी दुल्हा को जमा करते हैं, इस साल जिनकी शादी आओ कभी दुल्हनों को जमा किया जाता है, उनके सामने दीनी बात रखी जाती है। ऐसा अगर होता रहेगा तो इंशाअल्लाह होने वाले जो निकाह है इसमें किसी किस्मत की रस्म नहीं हो। दूसरी बात ये है, बहुत आप खुद ही कर रहा हूँ, देखिए निकाह तो बहुत सहूलत के साथ हो जाएगा, ईजा और कबूल का नाम निकाह है और सुन्नत है, लेकिन निकाह करने के बाद ज़ौजैन में से हर एक के लिए दूसरे के ऊपर हुकूक आयद होते हैं। अहादीस में इन हुकूक को बयान किया गया है, मर्दों के ऊपर क्या हक है, औरतों पर क्या हक है, तमाम हुकूक बयान किए गए हैं। और अगर हुकूक की अदायगी होती रहेगी कभी भी जोड़ों में खलफशार नहीं होगा, पुरसुकून ज़िंदगी होगी। हज़रत मौलाना मोहम्मद तकी साहब उस्मानी दावत बरकात हो, शेख़ुल इस्लाम
पाकिस्तान के इस वक्त इनको कहा जाता है, इन्होंने अपने शेख के बारे में लिखा है, उनके शेख है डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के अजल पर दफाने से। देखिए हजरत मुफ्ती शमी साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने अपने दोनों बेटे हजरत मौलाना रफी उस्मानी साहब और हजरत मौलाना तकी साहब उस्मानी दोनों बेटों को डॉक्टर साहब के हवाले किया, हजरत डॉक्टर साहब के, ताकि उनकी तरबियत करें। हम भी अपने औलाद की तरबियत करें, किसी सुयूब के यहाँ उनको भेजे, उनकी सोहबत में रखे, उलमा के पास बैठे, तो उनके असरात आएंगे। और हजरत मौलाना तकी साहब ने लिखा है इस्लामी खुतबात में, मैंने पढ़ा कि हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब की अहलिया ऐसा कह रही है कि हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब के निकाह में 55 साल हुए, कभी भी हम दोनों के दरमियान में ज़रा सी कोई तलखी नहीं हुई, ज़रा सी तलखी नहीं। और ये कहा, कभी भी डॉक्टर साहब ने मुझे कोई काम नहीं बताया, मैं अपने अतबार से डॉक्टर साहब का काम कर लिया करती थी। बुजुर्गों कैसी थी सुकून जिंदगी। इसलिए दुल्हा और दुल्हन हुकूक को मालूम कर देवे, ताकि उन हुकूक को अदा करे, इंशाअल्लाह घर में पूरे घर में सुकून रहेगा। कहीं तलाक के वाक्य होती है और गहराई से देखेंगे तो हुकूक कहीं फौत होते हुए आपको नजर आएंगे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर एक बात इरशाद फरमाई, वस्तौसु बिन्निसाए खैरा, वस्तौसु बिन्निसाए खैरा। आपने फरमाया मैं तुमको औरतों के साथ भलाई की वसीयत कर रहा हूँ, औरतों के साथ भलाई का मामला करना, मेरी इस वसीयत को कबूल करो। एक निकाह पढ़ने वाला दुल्हा और दुल्हा के घर वाले थोड़ा सा सोच देवे कि इस लड़की ने कितनी कुर्बानी दी है जो हमारे घर में आ रही है, अपने वालिदैन को छोड़ा है, सहेलियों को छोड़ा है, अपनी बहनों को भाइयों को छोड़ा है, बाद मरतबा तो वतन से दूसरे वतन में जाना पड़ता है, इलाके को छोड़ कर के दूसरे इलाके में कितनी कुर्बानी दी है। उसके साथ अगर हुस्न सुलूक किया जाएगा, भलाई का मामला किया जाएगा, तो कितनी खुश होगी उसको, ऐसा लगेगा कि मेरे वालिदैन यहाँ है, मेरी बहनें भी यहाँ हैं, मेरी सहेलियाँ भी यहाँ हैं। अगर इसका ख्याल रखे दुल्हा वाले, दुल्हा के घर वाले, तो उम्मीद है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत भी की है, इंशाअल्लाह पुरसुकून ज़िंदगी होगी। अल्लाह ताला इन बातों को कबूल फरमाए और हमें रसूमात से बचाए, और सुन्नत के मुताबिक हमें इस तकलीफ को मनाने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।